देश एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से अभी उभरा भी नहीं था, वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है, जिससे अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो बीते दिन उत्तराखंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे, जहां उसके चलते उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन जब देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए गए 7 पुलिसकर्मी ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसे में वहां पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पौड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले वहां पर भी 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे एक नया सवाल खड़ा हो गया कि इस महामारी से बचने के लिए अब उत्तराखंड सरकार क्या योजना बनाएगी। आपको बता दें कि दरअसल 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार आखिर क्या तैयारी करती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो ऐसे में कोरोना ने एक बार फिर से उत्तराखंड में चिंता जो है वो बढ़ा दी है। सरकार की क्या तैयारी है, इस पर सवाल बार बार उठना लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि बीते दिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी सुरक्षा में लगाए गए 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से जहां कोरोना के मामले काफ़ी हद तक थम गए थे, काफ़ी हद तक कम हो गए थे, एक बार फिर से उन मामलों में इजाफा होना शुरू हो चुका है। और सरकार की क्या तैयारी है ये जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अगर उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की बात की जाए, तो कोरोना के मामले पिछले महीने से काफ़ी कम हो गए थे, 0 या फिर 1-2 मामले या फिर हद से हद 10 मामले कोरोना के सामने आ रहे थे एक दिन में, लेकिन अब कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं उत्तराखंड में, सरकार की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे, और खासतौर से अगर देखा जाए पिछले एक हफ्ते में, तो प्रदेश में कहीं मामले देखने को मिले, और ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, और कहा जा सकता है कि सरकार की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बननी शुरू हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, और सभी जिलों के जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जिले के सुरक्षा, खासतौर से कोविड के नियमों को पालन करने के लिए कहा गया, और साथ ही जो टेस्टिंग है उसकी सुविधा बढ़ाने के लिए भी प्रदेश में कहा गया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि लगातार, क्योंकि चुनावी नज़दीक है, तो ऐसे में बड़ी जनसभाएं, बड़ी रैलियां राजधानी देहरादून, उधम सिंह नगर और पहाड़ के उन जनपदों में होनी है जी। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और खासतौर से जब कोरोना की जो लहर है एक बार फिर से प्रदेश में नजर आ रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो सरकारी अस्पताल थे, जो कोविड के लिए अस्पताल बनाए गए थे, वो तमाम अस्पतालों को फिर से एक बार चालू करने के लिए कह दिया, शुरू करने के लिए कह दिया, और ये कहा गया है कि व्यवस्थाएं बनाई जाए ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरीके से तैयार नजर आए जी। बिल्कुल सुभाष, लेकिन जिस तरह से अभी मैंने पहले भी कहा कि मामले कोरोना के बेहद कम हो गए थे उत्तराखंड में, 1 मामला या फिर 10 मरीज इस तरह से 24 घंटे में सामने आ रहे थे, और जिस तरह से अब की बात की जाए, तो अब पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले भी 19 कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भी 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी और अब टेस्टिंग हो रही है, इसलिए इस तरह लोग जो है वो संक्रमित निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, टेस्टिंग लगातार प्रदेश में जारी थी और टेस्टिंग एक बार भी बंद नहीं हुई, लेकिन जब किसी व्यक्ति में संक्रमण पाया जाता है उस समय उसका टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि वीआईपी ड्यूटीज में जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य होता है, और जब ये टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन, पुलिस विभाग हड़कंप में आया, और कहा जा सकता है कि इसके बाद से ही सरकार भी कहीं ना कहीं अब सतर्क नजर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को भी लेकर। जो भी सुरक्षा कर्मी उस स्थान पर पहुंचेंगे, सुरक्षा कर्मी के साथ ही जो लोग भी जाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंस अपनाना अनिवार्य होगा, और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं जिला अधिकारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस तमाम चीजों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने की अपने जिले में कोशिश करें जी। पारुल बिल्कुल सुभाष, और अगर देखें लगातार चाहे राष्ट्रपति का दौरा हो, उसमें भी 7 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए, वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से पहले भी 19 लोग संक्रमित पाए गए। अगर 4 दिसंबर की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर बीजेपी ने यह लक्ष्य रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में 1 लाख लोगों को जुटाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि संख्या कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कुंभ के दौरान उत्तराखंड
उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ था, कितना संक्रमण फैलाता है ये हर कोई जानता है, तो किस तरह से काबू किया जाएगा अब 4 दिसंबर को लेकर क्या कुछ तैयारी है सरकार की? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तैयारियों में ज़रूर सरकार जुड़ी हुई है, ना केवल सरकार बल्कि जो संगठन है भाजपा का वो भी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि 4 तारीख को जो रैली पीएम नरेंद्र मोदी की होनी है उसे विशाल रूप से बनाया जाए, भव्य बनाया जाए, इसकी कोशिश ज़रूर भाजपा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार के पास एक चिंता ये भी है कि कोरोना जिस तरीके से प्रदेश में फिर अपने पैर पसार रहा है तो उसको भी रोकथाम की कोशिश की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम टीमें हैं उन्हें उस स्थान पर भेजा जाएगा और ये कहा जा सकता है कि थर्मल स्कैनिंग के बाद ही जो लोग हैं वो उस रैली में प्रवेश कर पाएंगे और कोविड टीकाकरण यानी कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली है उन लोगों को अनुमति जरूर दी जाएगी, लेकिन जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगाई उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन क्योंकि सरकार के पास एक लक्ष्य ये भी है कि 1 लाख से अधिक लोगों को उस रैली में सम्मिलित कराना है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो बात है उनको सुनेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है डबल चुनौती सरकार के पास और प्रशासन के पास इस बार बेहद बड़ी चुनौती नजर आती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से ठीक उस स्थान पर कराई जाए। जी चलिए ठीक है सुभाष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तो इजाफा हो रहा है, इसीलिए बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार की तैयारी क्या है, क्योंकि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर आगे क्या सरकार कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी।